गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी गवर्निंग बॉडीज होती हैं, उनका काम क्या होता है, कौन से वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें हमने कहा था कि जैसे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि सिटी को डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। अब उन वार्ड्स के वार्ड काउंसिलर होते हैं, जो कि हर एक वार्ड से एज इनको इलेक्ट किया जाता है। जब इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 21 साल या 21 साल से ज्यादा हो, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है वार्ड काउंसिलर का। ओके, नाउ वार्ड काउंसिलर को हम हिंदी में पार्षद कहते हैं। पार्षद चुनाव जो होते हैं उसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है वो 5 साल के टर्म के लिए उस पर्टिकुलर वार्ड का वार्ड काउंसिलर बन जाता है, और उस वार्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो जो है जो वहाँ के पीपल्स जो है उस वार्ड के वहाँ जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। अब ठीक वैसे ही जैसे पार्षद के या फिर वार्ड काउंसिलर के इलेक्शन होते हैं, सेम मेयर के होते हैं। मेयर जो होता है पूरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पॉलिटिकली पूरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पॉलिटिकली मैनेज करता है या पॉलिटिकली हेड करता है। जो कोई भी डिसीजंस लेने होते हैं लाइक रिगार्डिंग टू द रोड डेवलपमेंट या रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो वो मेयर के थ्रू होते हैं। ओके, अब वार्ड काउंसिलर भी जब मीटिंग्स होती हैं इनकी, तो वहां पर कोई भी अपने वार्ड की जो भी शिकायत होती है, सपोज देयर स्ट्रीट लाइट्स आर नॉट फंक्शनिंग या रोड्स बनवानी है नहीं, तो वो सब अमाउंट या बजट्स या प्रोजेक्ट्स वो थ्रू मेयर वो लोग सैंक्शन करवाते हैं। ओके, ये हमने पॉलिटिकल हेड पढ़ा था पूरे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ठीक वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में जो हेड होता है वो होता है उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर। ओके, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनको इंस्ट्रक्शन रहता है और उनको एडमिनिस्ट्रेट करता है कि कैसे आपको कहाँ काम करना है। ओके, यहां तक हमने ये सब पढ़ लिया। अब हमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम वो पढ़ेंगे कि हाउ डू द एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज गेट फंड्स। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडीज हैं इनको फंड्स कैसे मिलते हैं, पैसा कैसे सैंक्शन होता है, या इनको पैसा या जो रिवेन्यू होता है वो कैसे जनरेट होता है, बिकॉज इनके पास वेरियस जिम्मेदारी है। लाइक भले चाहे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का काम हो, रोड मेंटेनेंस का काम हो, वाटर सप्लाई है, सब कुछ जो करना होता है, इनको मेंटेन करना होता है, प्रॉपर सप्लाई करना होता है, उसके लिए आपको फंड चाहिए रहते हैं, पैसे चाहिए रहते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पे हम लेबर के थ्रू या किसी भी और मीडियम के थ्रू हम उसको वापस से उसको मेंटेन कर सके ना, वापस से जो भी खराबी आई है उसको हम रिजॉल्व कर सके। ओके, सो देयर आर वेरियस और मिसलेनियस खर्च भी होते हैं, तो ये सारे जो खर्च होते हैं इनके पैसे जो खर्च ये लोग जो होता है, तो इनके फंड्स कहां से मिलते हैं, फंड्स कहां से जनरेट करते हैं। ओके, सो देयर आर वेरियस सोर्सेस। ओके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड एंड रन मेनी सर्विसेज दैट बेनिफिट द पीपल ऑफ अ सिटी। द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सर्विस रिक्वायर्स अ लार्ज इन्वेस्टमेंट्स बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि एक सिटी के पीपल्स को जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको बेनिफिट उससे मिल सकते हैं, बट लेकिन इन सर्विसेज को रन करने के लिए काफी सारे फंड चाहिए रहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। सो द मेन सोर्स ऑफ देयर फंड्स आर द वेरियस टैक्सेस दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर वेरियस सर्विसेज। तो अब ये फंड्स कहां से जनरेटेड, जो हम वेरियस टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उन्हीं टैक्सेस से ही वो लोग उस टैक्स इन द फॉर्म में जो हम पैसा हम टैक्स के फॉर्म में भरते हैं, वही पैसा वो इन सर्विसेज प्रोवाइड करने में यूज करते हैं। सम ऑफ द फॉलोइंग सोर्स आर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। अब ऑक्ट्रॉय ड्यूटी यानी कोई भी पब्लिक प्लेस को यूज करने का चार्ज। सपोज कीजिए कि आपको सिटी में है तो आपको किसी पर्टिकुलर गार्डन में या किसी पर्टिकुलर पार्क में जाना, तो उसमें आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी आपको पे करना रहता है एज अ टिकट। तो वो जो अमाउंट उन्होंने कलेक्ट करा वो किस लिए करा है, ताकि उस पार्क या उस गार्डन का प्रॉपर मेंटेनेंस हो सके। सो ये इस टाइप से ये लोग ड्यूटीज जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं जहां जो सिटी के पीपल उन पब्लिक प्लेसेस को अगर यूज करते हैं, तो उन्हें कोई सम ऑफ रुपीज का कुछ चार्ज पे करना रहता है एज अ टिकट, सो देट वो उस पब्लिक सर्विसेज को यूज कर सके, तो उनसे उनको ये फंड्स मिलते हैं। सेकंड होता है हाउस टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। सिटीज में जितने पीपल्स रहते हैं, जस्ट लाइक द पीपल्स इन द विलेजेस, जैसे वो एग्रीकल्चरल अपने लैंड पर टैक्स पे करते हैं, सेम वो अपने हाउसेस सिटीज में अपने हाउसेस के लिए टैक्स पे करते हैं, या उनकी प्रॉपर्टी होती है तो उस पर वो लोग ईयरली कुछ टैक्स पे करना रहता है, उससे रिवेन्यू जनरेट होता है।
एजुकेशन टैक्सेस इन्वॉल्व रहते हैं, आप किसी भी स्कूल्स में कॉलेजेस में जाते हैं तो उनमें ऑलरेडी वो अमाउंट समअप क्या होता है फॉर एज एन एजुकेशन टैक्स। वाटर टैक्स, तो उसका वाटर बिलिंग होती है आपकी, आपने जो पानी यूज कंजप्शन किया है उसका मंथली बिल आता है। ओके फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, जो बिजली यूज करना, जो लाइट यूज करना उसका प्रॉपर बिल बन करता है, तो उसमें वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्स जुड़े हुए आते हैं। टैक्स ऑन ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, किसी भी टाइप का व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए कोई टैक्स पे करना रहता है, तो वो सारी जो शॉप्स हैं या बिजनेसेस हैं वो कहाँ रजिस्टर करने पड़ते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कि हम ये वाला बिजनेस कर रहे हैं हमको इसका लाइसेंस चाहिए, तो उसके बेसिस पे वो लोग ईयरली या ईयरली वो लोग कुछ पैसे चार्ज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो ऐसा टैक्स ऑन ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन वो वाला टैक्स हो गया। सर्विस टैक्स हो गया, कोई भी आप कोई सामान खरीदते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग तो उसका आप कुछ ना कोई सर्विस टैक्स पे करते हैं। इनफैक्ट आप एक छोटा सा पेंसिल भी खरीदते हैं तो उसमें भी कुछ पैसा, ओके 30 पैसा 40 पैसा आपको सर्विस टैक्स पे करना रहता है, तो वो वाला टैक्स। फीस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, अब जैसे हमने थोड़े समय पहले बताया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम होता है कि जितने भी रजिस्ट्रेशन करना, जितने भी बर्थ हुए हैं नए और जितने भी डेथ हुई है ना, तो उसका क्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, बर्थ रजिस्ट्रेशन का बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि आगे जाके बहुत ज्यादा जगहों पर काम आता है आपके स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, पासपोर्ट बनवाने में, इनमें बर्थ सर्टिफिकेट का यूज होता है, तो काफी यूजफुल डॉक्यूमेंट होता है, तो उस पर वो कुछ चार्ज लेते हैं। ओके कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा उसका आपको कुछ चार्ज पे करेगा, सेम ऐसा डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी चार्ज लिया जाता है। इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट टैक्स, अब एंटरटेनमेंट टैक्स इन द सेंस लाइक जो भी सिटी में कोई भी रंगमंच का कार्यक्रम होता है, सिनेमा होती है, थिएटर होता है, तो उसमें कुछ एंटरटेनमेंट टैक्स लिया जाता है जो कि टैक्स इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देता है। हो सकता है वो सिनेमा हॉल हो या एक टॉकीज हो या फिर एक मल्टीप्लेक्सेस हो, उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है जो कि इन सिनेमा हॉल्स जो आप इधर टिकट पे करते हैं तो उसमें सब कुछ हम एश्योर्ड रहता है, और उसमें से जो टिकट जो वहाँ का मालिक होता है वो उसको उसके बदले में जो वहाँ के जो कॉर्पोरेशन है उनको एंटरटेनमेंट टैक्स पे करना रहता है। इनके अलावा ग्रांट्स एंड लोन्स फ्रॉम द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कुछ पैसा इन द फॉर्म ऑफ बजट वो भी इन्हें प्रोवाइड करती है, कुछ फंड्स प्रोवाइड करती है किसी प्रोग्राम के तहत ताकि वो आगे जो स्मूथ फंक्शनिंग हो सके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। ओके Now, how does a community protest act as a means to resolve issue of public importance? Okay, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कैसे कम्युनिटीज यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल्स कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसी भी रिजॉल्व को, इशू कोई भी इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली सिटीज में जो बेसिकली जो प्रोटेस्ट होते हैं वो अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे लाइक अगर वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा तो पीपल्स एक जगह इकट्ठे होते हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन बैनर बना के ओके जहाँ भी नगर निगम होती है वहां जाके खड़े हो जाते हैं कि आप हमें प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं कर रहे हैं, कचरा नहीं उठा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है गंदगी की वजह से वहां पर डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, उसके जैसे ये सारे इश्यूज के अगेंस्ट जो पीपल से वो प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके सो इस टॉपिक में बेसिकली यही पढ़ेंगे कौन कौन से जो कैसे कम्युनिटी अपने प्रोटेस्ट करती है ताकि जो भी इश्यू है वो रिजॉल्व हो सके। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सिटीजन्स विद सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, विद दिस राइट सिटीजन्स कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट अथॉरिटीज इफ दे फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एज प्रमोज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। इन द केस अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डज नॉट वर्क टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, पीपल कैन डिमांड फॉर अ रिजोल्यूशन बाय कॉन्टेक्टिंग द कंसर्न वार्ड काउंसिलर। अब अगर हमारे एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही हमारे फंडामेंटल राइट्स में से है कि अगर सिटीजन्स कि डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, जब इलेक्शंस होते हैं तो नेता बहुत ज्यादा बहुत सारे वादे करते हैं उनको फुलफिल नहीं करते, तो सिटीजन जो है वो डिमांड्स अपनी रख सकते हैं कि आपने जो वादे करे थे उसको आप वापस फुलफिल कीजिए, और वो उनका तरीका होता है, और सिटीजन्स क्या तरीका अपना सकते हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, मूवमेंट्स कर सकते हैं। ओके सो
ये सब चीजें जब भी कोई ऐसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले अपने वार्ड काउंसिलर ने अपने पार्षद के पास जाते हैं, वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि आपने हमसे ये वादा किया था अभी तक आपने उसको पूरा नहीं किया, या आपने बोला था कि हमें कोई परेशानी नहीं है कि किसी भी रिलेटेड इशू से, तो अभी जो भी इशूज है चाहे वो वाटर का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, या गंदगी का हो, तो ऐसे वेरियस इशूज जो सिटीज हैं वहाँ उस वार्ड के पीपल्स होते हैं वो अपने वार्ड काउंसिलर के पास इकट्ठा जाकर अपनी प्रॉब्लम्स अपने डिमांड्स वहाँ पर रखते हैं। पीपल कैन ऑल्सो एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फेक्शन बाय ऑर्गेनाइजिंग ए पीसफुल प्रोटेस्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ एन एरिया गार्बेज हैज नॉट बीन कलेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, रोड्स आर नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली एंड वाटर सप्लाई इज नॉट सफिशिएंट, द पीपल ऑफ दैट एरिया कैन लॉन्च ए कैंपेन टू साइन ए पेटिशन एंड सबमिट इट टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द रिजोल्यूशन। अब यहाँ पे आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में टाइम टू टाइम गार्बेज यानी कचरा नहीं उठाया जा रहा है, लंबे समय तक रोड को मेंटेनेंस नहीं किया, मतलब रोड खराब हो गई है, उसके साथ साथ वाटर सप्लाई जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है, ओके तो पीपल क्या कर सकते हैं, एक कैंपेन बना सकते हैं जिसमें एक एप्लीकेशन लिख के जितने भी वहां पे पीपल से वो साइन करके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो सबमिट कर सकते हैं एक टाइप की वो पेटिशन, फिर इन केस द इश्यू पर्सिस्टेड दे कैन गेट टुगेदर एंड प्रोटेस्ट थ्रू पीसफुल मींस विदाउट हर्टिंग एनी पब्लिक और पर्सन और पब्लिक प्रॉपर्टी इन फ्रंट ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और वार्ड काउंसिलर। उसके बाद भी अगर वार्ड काउंसिलर हो चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स हो तब भी नहीं सुनते हैं तो पीपल कैन प्रोटेस्ट कि धरना दे सकते हैं पर पीसफुली बिना किसी पर्सन या पब्लिक को हार्म पहुंचाए, ओके इवन दो इट मे टेक टाइम कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑफ पीपल विल अल्टीमेटली गेट द इश्यूज रिजॉल्व। हालांकि समय लग सकता है पर लेकिन एक ना एक दिन आपके जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। सो अभी इन द रिसेंट एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सूरत, ओके इसमें हुआ ये था कि सूरत एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया था जहां पर लंबे समय तक साफ सफाई नहीं हुई थी, वहां के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लंबे समय तक साफ सफाई नहीं की थी जिसकी वजह से वहां की जो नालियां थी पूरी तरह चोक हो गई थी, गंदगी भर गई खराब हो गई थी जिसकी वजह से वहां पर बीमारी फैल गई थी रिलेटेड टू डेंगू मलेरिया, ओके जिसकी वजह से कि जिसकी वजह से वहां की पीपल्स की तबीयत बिगड़ने लगे, हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करना पड़ा, तो उससे वहां जब ऐसी कुछ महामारी जब वहां पर फैली तो उससे वहां की जो जनता थी उनको काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे उनको इन सारे इश्यूज का सामना करना पड़ा, तो इस वजह से फिर वहां पे बहुत सारे पीपल्स इकट्ठे हुए और उन्होंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट एक तरह का प्रोटेस्ट किया कि आप लोग प्रॉपरली हमारे सिटी को मेंटेनली क्लीन कीजिए, और कहीं ना कहीं ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और इस वजह से वहाँ के सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई भी चीज किसी भी चीज कारण से पब्लिक को अगर असुविधा हो रही है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी होती है कि उन इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। इसके साथ साथ सिटीजन्स की भी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस चीज पर ध्यान नहीं दे पा रही है तो वो खुद जाके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कंप्लेन कर सकते हैं और उस इश्यूज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर है जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके नोट्स सेंड कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।